हमीरपुर जिला के भोटा कस्बे में एक बेहद ही गरीब परिवार से संबंध रखने वाली आंचल शुक्ला ने MBBS की परीक्षा में अच्छे अंक हासिल किए हैं, लेकिन अब मुश्किलें आ रही हैं कि आगे की पढ़ाई कैसे करें, जिसके लिए आंचल के साथ पिता ने भी DC हमीरपुर से मिलकर सहायता के लिए गुहार लगाई है। आंचल के पिता ने बताया कि छोटी सी दुकान भोटा में करती हैं और गरीब परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने बताया कि आंचल की MBBS की पढ़ाई करवाने के लिए पैसे नहीं हैं, जिस कारण पढ़ाई नहीं करवा सकते हैं। कॉलेज की कम दे उसमें कोचिंग वगैरह ली। पढ़ाई करते करते मेरे बेस करे नीट का टेस्ट हम करते हैं, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी नहीं होगा हम मजदूरी भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं बीच में। काम हमारा छोटा सा है, टेलिंग की शॉप है, छोटी चीज वहीं पर काम करते हैं। पेटी प्रेस में चलो अपने इस पर कर लिया है, पर अभी हमें प्रॉब्लम है थोड़ी इसके बाद की कोर्स कराने की प्रॉब्लम ये आ रही है। पैसा हमारे पास इतना है जिसको हम इतना पैसा लगा सके, बस ये प्रॉब्लम आ रही है। वैसे तो मेरी बेटी को बहुत गर्व है, हमारा बहुत नाम ऊंचा किया। आंचल ने कहा कि इससे पहले नवोदय में पढ़ाई की है और अब MBBS की पढ़ाई करना चाहती हूं, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रही हूं, इसीलिए आज DC हमीरपुर से मिलकर आर्थिक सहायता के लिए मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि पिता दर्जी का काम करते हैं और MBBS का खर्चा नहीं उठा सकते हैं। वहीं DC हमीरपुर ने भी आंचल और उनके परिजनों को आश्वासन दिया है कि जिला प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता की जाएगी। पांचवी तक की पढ़ाई भोटा में की, उसके बाद मेरा नवोदय के लिए चयन हुआ। बार बार बारहवीं मैंने वहाँ से पास की। उसके बाद मैंने विद्या मंदिर में कोचिंग ली 1 महीना क्रैश कोर्स, फिर मैंने MBBS का जो टेस्ट है वो पास किया। मेरा नंबर जो है वो हिमाचल के टांडा डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। उसके बाद मेरे पापा एक दर्जी का काम करते हैं और हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मेरा पूरा कोर्स करा सके, इसलिए आज हम यहाँ आए हैं DC साहब से मदद मांगने ताकि मेरे आगे की पढ़ाई में कोई बाधा ना आए। पिता ने मेरा बहुत साथ दिया और जो नवोदय के टीचर्स थे उन्होंने हमेशा से ही गोल क्लियर करने में हेल्प की, और बाकी श्रेय जाता है विद्या मंदिर के टीचर्स को जिन्होंने आगे की पढ़ाई में बहुत साथ दिया। उम्मीद में आए हैं कि हमें कोई ना कोई आर्थिक सहायता मिलेगी।